गुजरात में इस वक्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और सियासी घमासान के बीच आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ आज वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। यानी कि पूरा सियासी मैदान, सियासी अखाड़ा वहां पर तैयार है। लेकिन दिलचस्प बात अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में लगी है और ये डैमेज किसने किया है, खुद आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने, जब उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के विरोध में बयान दिया, शपथ दिलवाई लोगों को, उसके बाद से वो तमाम हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए हैं और खुद जो है बीजेपी इन सवालों के घेरे में भी जो है आम आदमी पार्टी को खड़ा कर रही है। और इसी बीच जो है अब जब दो दिन के दौरे पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वहां पहुंचे शनिवार को दो दिन के दौरे पर, तो उनका वहां पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और साथ ही साथ जो है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के जो है पोस्टर्स भी लगाए गए जिसमें उन्हें हिंदू विरोधी दिखाया गया। और उसके बाद जब वहां पर वो अरविंद केजरीवाल पहुंचे, अब डैमेज कंट्रोल कैसे हो, तो उन्होंने खेला सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड और उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला। क्या क्या उन्होंने बातें कही हैं इस डैमेज कंट्रोल को कहने के लिए वो भी आपको बता देते हैं। इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जी मैं हनुमान जी का कट्टर भक्त हूँ, ये बात उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने एक और बड़ा दाव खेला, उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनावों में जीत जाती है तो वहां के बुजुर्गों को वो अयोध्या भेजेगी भगवान राम के दर्शन करने के लिए और वहां के जितने भी बुजुर्ग हैं सरकारी खर्चे पर वो जाएंगे अयोध्या, वहां पर भगवान राम के दर्शन करेंगे। ये बात उन्होंने जो है एक पब्लिक को संबोधित करते हुए कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो गाय की देखभाल के लिए भी जो है स्ट्रैटेजी बनाएंगे, योजनाएं लेकर आएंगे, गाय का ख्याल रखेंगे और साथ ही साथ ये तमाम हिंदुत्व के कार्ड उन्होंने खेले हैं। लेकिन क्या ये पूरे कार्ड खेलने के बावजूद आम आदमी पार्टी को जो डैमेज हुआ है, जो हिंदुत्व की तस्वीर पेश करता आया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या उसको कोई नुकसान पहुंचेगा, क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि मेरा जन्म जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ और कंस के जो औलादे हैं उनका वध करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए आया। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि मेरा जन्म जो हुआ था वो जन्माष्टमी के दिन हुआ था और मैं यहाँ पर कंस की औलादों का खात्मा करने के लिए आया हूँ। तो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने में अरविंद केजरीवाल ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन क्या जो डैमेज उनके मंत्री ने किया है क्या वो उसकी भरपाई कर पाएंगे, क्या जो ये कार्ड खेले जा रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व के, क्या वो आम आदमी पार्टी को बचा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और इस पर हम आपको लगातार ताजा अपडेट देते रहेंगे।